लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब बीजेपी के सहयोगी दल सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। ओपी राजभर के बड़े बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद राजभर खुद मैदान में उतरे हैं। इसके बारे में अरविंद राजभर ने कहा है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, यही लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। इस बार 400 अधिक सीटें जीतेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में घोसी की सीट दे करके और घोसी से हमको प्रत्याशी बनाने का जो एक निर्णय लिया है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को भी आभार प्रकट करता हूं और अपने उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि सभी लोगों ने मिलकर के घोसी से माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि ये संकल्प हम पूरा करेंगे और फिर से 80 की 80 सीट जो जीतने का संकल्प है इसको पूरा करते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठा करके वंचित पिछड़े दलित शोषित गरीब समाज के कल्याण के लिए जो हितकारी कार्य होंगे उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। बता दें कि गुरुवार को ओपी राजभर ने बलिया में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, कार्यकर्ताओं से इस संबंध में राय मांगी थी। तभी से सलाह लेने के बाद अरविंद राजभर के नाम का ऐलान किया गया। अरविंद राजभर इससे पहले वाराणसी के शिवपुर सीट से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 लड़ चुके हैं, जहां भाजपा उम्मीदवार अनिल राजभर से हार का सामना करना पड़ा था। अरविंद राजभर ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें, घोसी लोकसभा सीट पर 2014 में भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। यहां से बीएसपी उम्मीदवार अतुल राय ने जीत दर्ज की थी। 2009 में बीएसपी से दारा सिंह चौहान जीते थे, जो इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री हैं।